आपकी एक मांग जो मुझे बताई गई बार बार होती रहती है, जो ओमकार के और ओमकार वॉलेंटियर्स है, हर 5 साल में इनका अनुबंध नवीनीकरण कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूल होता है। ये 5 साल की अवधि बहुत जल्दी आ जाती है और आपको तकलीफ भी होती है, कई लोगों का हो पाता है, कई लोगों का नहीं हो पाता है, नहीं होने के कई अनेक कारण भी होते हैं, फिजिकल भी होता है और भी कोई शिकायत हो सकती है, भेदभाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तय किया अब ये 5 साल की अवधि आपकी सीधी 15 साल की जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ 15 साल की जाएगी। तो 15 साल का मतलब हुआ अब आपको 30-35 साल की जो होती है सर्विस होमगार्ड की, तो कम से कम सिर्फ आपको एकाधि बार आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, एकाधि बार कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जो कमेटी बनेगी हमारी होम सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में, वो जो रिकमेंड करेगी और ज़्यादा सुविधाएं आपको क्या मिल सकती है उस पर भी आने वाले वक्त में हम विचार करेंगे। मुख्य बात यह है कि इस बार जो होमगार्ड को समय समय ट्रेनिंग दी जाती है और रिटायरमेंट के ऊपर 2 लाख के करीब उनको लघु व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए राशि दी जाती है। इस बार मैंने कहा कि होमगार्ड को मानते हैं प्रति वर्ष जो है, या इस बार हम लोगों ने 15% की बढ़ोतरी करी है। आपकी जो मुख्य मांग रही है, भवन शानदार बना आपका, जी साहब यहाँ बैठेंगे, नई शुरुआत हो रही है, होमगार्ड का अपना महत्व है। मैं चाहूँगा राजस्थान का होमगार्ड जो है, देश में जो ही होमगार्ड जा है उनको क्या सुविधाएं मिल रही है, किस प्रकार के वहाँ नियम बने हुए हैं, किस प्रकार के कायदे बने हुए हैं, मैं चाहूँगा उनकी अलग स्टडी हो। होमगार्ड की ड्यूटी जब लगती है व्यवस्था करने में वो माकूल होती है, और होमगार्ड वाले क्योंकि उनकी परमानेंट नौकरी की तरह नहीं है, मैंने महसूस किया है कई बार मैं रुक जाता हूँ रोड पे जाते हुए, पूछता हूँ, मालूम पड़ता है होमगार्ड के भी लोग हैं व्यवस्था करने के लिए। तो आपकी ड्यूटी, आपका तरीका काम करने का, आपका समर्पण, आपकी प्रतिबद्धता, आपकी निष्ठा कोई कम नहीं है। कई बार शिकायत भी आती है कि साहब इनके जो रिन्यूअल होता है उसमें तकलीफ आती है, कई बार मैं कहता हूँ कि तकलीफ की बात छोड़ दो। जब मैंने कहा होम सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे, डीजी होमगार्ड भी होंगे उसके अंदर, डीजी पुलिस से बात करेंगे, वो भी प्रतिनिधि रखें, सब मिलके बताएं मुझे अगले 3-4 महीने में कि देश के किस राज्य में सबसे अच्छी व्यवस्था होमगार्ड के लिए, वो व्यवस्था राजस्थान में लागू करने की मैं छोड़ सकता हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए लंबी बात तो मैं क्या कहूँ, 12 करोड़ 84 लाख की लागत से बने नए भवन का निर्माण जो हुआ है, अभी मुझे बताया गया नक्शे से कि बहुत शानदार मंजिलें बनी हैं, सबके प्रसाद जी ऑफिस बन गया शानदार आपका, जिलेब चौक में मैंने सुना कि किराए की बिल्डिंग टाइप से वहाँ रहते थे हमारे अधिकारी भी, अब नया जब ये पूरा भवन बन गया है तो अधिकारी भी भवन में बैठ करके उस तरह की सोच के साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डीजी साहब, इनके अधीनस्थ अधिकारी, सब लोग होमगार्ड के बारे में और क्या कर सकते हैं, हालांकि लोग कहते रहते हैं जब बजट फिर होता है तभी कमी नहीं रखते आपके अधिकारी लोग, डीजी साहब भी कहते हैं, ये लोग भी कहते हैं, डीजी होमगार्ड भी कहते हैं, भाई हमारे होमगार्ड के लोगों को अधिक अधिक सुविधा मिले। सरकार की भी एक लिमिट होती है बजट के अंदर भी, वित्तीय प्रबंधन के अंदर भी, फिर भी हम लोगों ने ध्यान रखने का प्रयास किया होमगार्ड्स के हमारे भाई और बहनों, बताऊँ अतिथिगण,
मुझे खुशी है कि होमगार्ड के मुख्यालय भवन के उद्घाटन के अवसर पर शिलान्यास के वक्त भी आया था मैं, और आज उद्घाटन हो रहा है उसके मुबारक मौके पर मुझे आने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी है। होमगार्ड के बारे में शुरू से ही इसका एक इतिहास ही बहुत शानदार इतिहास रहा है। जिस प्रकार ब्रिटिश राज के अंदर कहते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब इसकी स्थापना हुई थी होमगार्ड के नाम से वॉलंटियर संगठन के रूप में, और जब देश आज़ाद हो गया तब केंद्रीय स्तर पर होमगार्ड को बनाए रखा गया, डायरेक्टर बनाया गया 62 के अंदर, और 1962 के अंदर जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तो पुलिस की सेवाएं भी बॉर्डर पर ली गई थी, तब होमगार्ड का अपना महत्व और बढ़ गया। तो होमगार्ड के तमाम जवानों को इस बात का गर्व होना चाहिए जिस रूप में आप सेवा दे रहे हैं वो किसी भी रूप में कम नहीं है। हालांकि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है ये होमगार्ड, परंतु जो काम आप करते हैं वो काम आप पुलिस बल से कम नहीं करते हैं। आप उनके हर कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक में हो, चाहे वो कई जो हमारे बड़े बड़े संगठन है या प्रतिष्ठान है, पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको आप लोग बड़े ढंग से मैनेज करने में सहायता करते हैं, सुरक्षा पहरे के रूप में काम करते हैं, और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी आपकी भूमिका अलग तरह की होती है। मेरा कहना है कि कोविड आ गया था, पहली वेव में सब लोग घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होगा, पूरे विश्वव्यापी कोविड था, कोरोना का था। उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, सब घबराए हुए थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में डिक्लेयर किया कि मेडिकल के डॉक्टर और नर्सेज को हम लोग अगर उनकी डेथ हो जाती है काम करते हुए तो 50 लाख रुपये देंगे। तो मैंने उसी दिन घोषणा करी कि राजस्थान के अंदर मेडिकल के अलावा भी जो भी सेवा में हैं उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको 50 लाख मिलेंगे, मैंने कहा था उनको। और मैं देखता हूँ कई लोगों को इमदाद मिली भी है 50 लाख वाले। इस रूप में हमने हमेशा ख्याल रखा कि हमारे जो खुद के कर्मचारी हैं उनका किस प्रकार से हम लोग ध्यान रखते हैं।